था कि इंसान की जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा पल भी आता है जो कि उसकी तमाम जिंदगी पर भारी होता है। अशोक की जिंदगी में भी एक ऐसा ही पल आया था जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया, तहजीब का दामन फूलों भर दिया। खून की नदियां बहा रहे, कलिंगा की लड़ाई जीतने वाला अशोक आखिर अपने जमीर से हार गया, लेकिन वही हार उसकी सबसे बड़ी जीत बनी। सल्तनतों को फतह करने वाले अशोक ने इंसानों के दिल फतह कर लिए, और शांति और अहिंसा का वो पैगाम जो अशोक ने आज से हजारों साल पहले दिया था वो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अशोक की जिंदगी पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बन चुकी हैं जो आप में से बहुतों ने देखी हो। शांता। यस सर। बताओ अभी अभी मैं क्या कह रहा था। जी, आप कह रहे थे कि अशोक की बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। तुमने कोई देखी है? जी हाँ, कंगन, बंधन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन सब फिल्मों में सम्राट अशोक ने काम किया है, नोट कर लीजिए। तुम कॉलेज का नाम जरूर रोशन करो। बैठ जाओ। गीता, तुम बताओ मैं क्या कह रहा था। जी, आप सम्राट अशोक के बारे में कह रहे थे कि उसने इंसानियत की भलाई के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया और संसार को मानवता और प्रेम का अमर संदेश दिया। गुड। दैट्स ऑल फॉर द डे। शर्म नहीं आई तुझे सबके सामने ऐसी शरारत करते? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, कॉलेज के स्टूडेंट होकर क्या उठपटांग जवाब दिया प्रोफेसर को। अरे तो क्या तुमने सच समझ लिया? वो तो शांता ने ऐसे ही मजाक किया था। ऑफ कोर्स। शांता, जवाब नहीं तुम्हारा। किस बात में? हर बात में। जवाब तुम्हारा भी नहीं कुंदन, मगर सिर्फ एक बात में कि तुम शांता की हर बात की तारीफ करते हो। मेरी बात ही तारीफ के काबिल होती है। अच्छा जी, अब तुमसे बात करना सीखना पड़ेगा। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मेरी बातें सीखने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, परसों मेरा इसी जन्म का जन्मदिन है। यू मीन बर्थडे? नो, आई मीन जन्मदिन। परसों शाम को ठीक 7 बजे आप सबको मेरे यहाँ आना होगा। ओह, लेकिन गीता, मैं शायद ना आ सकूं। लेट मी विश यू नाउ। क्यों? परसों इंग्लैंड से मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। ओह जगदीश भैया, ये तो और भी अच्छा हुआ, उनको भी साथ लेकर आना। मैं तो ले आऊंगी, लेकिन तुम्हें खामखा तकलीफ होगी, उनके लिए इंग्लिश खाना का इंतजाम करना पड़ेगा। इंग्लिश खाना? हाँ, 2 बरस बाद इंग्लैंड से आ रहे हैं, देसी चीजें तो कब की भूल चुके होंगे। मगर एक देसी चीज नहीं भूले होंगे। वो कौन सी? शांता। अरे कहीं चोट तो नहीं लगी मेरी रामकली? क्या सबके सामने मेरी मेरी कर रहे हो? वो तो क्या उनकी उनकी करूं, शादी करके लाया हूँ, कोई भगा के नहीं लाया। न्यारे। हो गए वारे न्यारे, जा जल्दी जाके प्लेटें साफ कर। लीजिए। आप अरे तुम भी खाओ ना मीता। नहीं नहीं, मैं मसाले वाली चीज नहीं खाती, जिगर में जरा गर्मी की शिकायत है। जिगर में गर्मी? इसका इलाज तो बहुत आसान है, गुरुदेव फरमा गए हैं, जिगर में हो जो गर्मी मिस अमिता, तो पी गन्ने का रस और खा पपीता। न्यारे। जी। और कुछ चाहिए? नो नो थैंक यू। न्यारे जी, लाया समोसे करारे। अरे भाई इनको भी कुछ दो ना। हाँ जी, लीजिए खाओ। लीजिए, आप भी लीजिए। कुंदन बाबू, ये नमूना क्या देख रहे हैं, अच्छी तरह खाइए ना। नहीं भी नहीं, मैं तली हुई चीज नहीं खाऊं। मुझे पहले ही से खांसी है। खांसी है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये देखिए, खांसी का बीमार जो मेरी गोली खाकर सोए, फांसी चाहे हो जाए पर खांसी कभी ना होए। अरे भाई गीता, ये तुम्हारा कुक तो कुक से कभी बन गया है। कभी ही तो बना है,
दुख से क्रूर तो नहीं बना। लो शांता भी आ गई। शांता तुम क्यों? गीता शांता नमस्ते जीतीश भैया। हेलो गीता, कहो कैसी हो? जैसे पहले थी वैसे ही हो। वैसे तो नहीं हो, दो साल में तो काफी फर्क पड़ गया है, क्यों शांता? सही कहिए, आपका ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप तो बहुत ही अच्छा रहा, नई नई चीजें देखने को मिली, अलग अलग किस्म के आदमियों से मुलाकातें हुई और ओ भाई एक मिनट, मैं जरा पिताजी से मिल के आता हूँ। जगदीश तुम विलायत से कब लौटे? जीते रहो जीते रहो। शांता व्हाट इज दिस, हाथ मिलाने के बजाय पैर छू रहा है? सच कहो शांता, तुम्हारा हस्बैंड इंग्लैंड रिटर्न है या पानीपत रिटर्न? जल्दी चलो ना, तैयारी करनी है। जगदीश बेटा मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम वलैत में रहकर भी अपने देश को नहीं भूले। वही बात, वही ढंग, वही पहनावा, तुम्हें तो वलैत की जरा भी हवा नहीं लगी, क्यों गीता के पिता? ये तो अपना अपना ख्याल है गीता की माँ। जगदीश को विलायत में रहकर भी वहाँ की हवा नहीं लगी, और बास लोगों को तो हिंदुस्तान में रहकर भी विलायत की हवा लग जाती है। डार्लिंग अच्छा, खुश रहो बेटा। कम एंड मीट माय फ्रेंड्स, मीट मिस उषा जो फ्रेंड्स क्लब के डांस कॉम्पिटिशन में दूसरी बार फर्स्ट आई है और बीए में तीसरी बार फेल हुई है। प्लीज टू मीट यू मिस्टर जगदीश। नमस्ते। आई एम सॉरी। एंड मीट अनदर वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन मिस्टर कुंदन। आप हैं मिस्टर जगदीश, मैं आपकी बहुत तारीफ सुन चुका, बड़ा शौक था मुझे आपसे मिलने। जी शुक्रिया। मिस्टर जगदीश मेरा ख्याल है आप पीने का शौक तो जरूर रखते हो, चलिए बाहर गाड़ी में पड़ी है। आपसे किसने कहा मैं पीता नहीं? अरे पीते नहीं, पीते नहीं तो जीते कैसे हैं, और फिर बिना पिए इस महफिल का रंग कैसे देखेंगे? माफ कीजिए मिस्टर कुंदन, पीने वाले महफिल का रंग नहीं देखा करते, महफिल पीने वालों का रंग देखती। ताज्जुब है शांता, तुम्हारे हस्बैंड इंग्लैंड में इतनी देर रहने के बाद भी मॉडर्न तहजीब से इस कदर दूर है। मिस्टर कुंदन, मालूम होता है कि आपने सिर्फ इंग्लैंड का नाम सुना है, वहाँ की तहजीब से आप वाकिफ नहीं। वहाँ भी भले बुरे में तमीज होती है, उनके भी अपने कुछ सामाजिक उसूल हैं। जगदीश वेल 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 आई एम रियली
मैं तो बॉलरूम डांस के लिए तैयार होकर आई थी। तुम ये क्या उठपटांग आई तुमने बैठी? उठपटांग? ये तो देवताओं की कला थी जिसका जिक्र महाभारत में है। महाभारत? क्यों, तुमने महाभारत नहीं पढ़ी? मैं हिंदी नहीं पढ़ती। अब तो अंग्रेजी में भी छप चुकी है। हिंदी में पढ़ते शर्म आती है तो अंग्रेजी में ही पढ़ लो। ओके गीता, बाय बाय। कम ऑन, आपको ये भी पसंद नहीं, वो भी पसंद नहीं, आप ये भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते, आखिर आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ शांता कि तुम अपना रंग ढंग बदल दो। रंग ढंग बदल दो, जिससे मैं अपने तमाम दोस्तों में पॉपुलर हूँ? मगर जिस तरह आप मेरे दोस्तों से पेश आए हैं, उसने मुझे उनसे आंख मिलाकर बात करने की काबिल नहीं छोड़ा। अगर तुमने मेरी बात पर ध्यान न दिया शांता, तो मैं खुद किसी से आंख मिलाकर बात न कर सकूंगा। मैं तुम्हें महफिल की शमा नहीं, घर का चिराग देखना चाहता हूँ। मैं तो ये समझी थी कि आपको पश्चिम की सैर ने रोशन ख्याल बना दिया होगा, मगर आप तो अभी तक अंधेरे में भटक रहे हैं। रोशनी पश्चिम से नहीं, पूरब से मिलती है शांता। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। ओह माय बैड लक। बड़ी किस्मत वाली है शांता, जिसे जगदीश जैसा लायक पति मिला। इसमें क्या शक है, कल पार्टी में उसे देखकर तबीयत खुश हो गई। अपने गीता के लिए भी कोई ऐसा वर्ड ढूंढो ना। गीता के लिए? और क्या, गीता अब सियानी हो गई। कल पार्टी में जवान लड़के लड़कियों को मेल जोल देखकर मुझे तो कुछ चिंता सी लग गई। चिंता कैसी? इस उम्र में लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। मैं तो चाहती हूँ कि अगला जन्मदिन अपने पति के घर मनाए। गीता बेटी। अच्छा वो तू भी आ गई। क्या बात है माँ? तेरे ब्याह की बात कर रहे थे हम, इस बारे में तेरी राय जानना चाहते हैं। मैं क्या जानू, कितनी शर्मीली है हमारी गीता। क्यों ना हो, आखिर किस बाप की बेटी है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, मगर बाप को भी अब बेटी की कुछ फिक्र करनी चाहिए। कैसी बात करती हो, हम पटवारी से माल अफसर क्या बन गए? तुम तो हर पुरानी बात भूल गई। चौधरी हीरालाल का बेटा रतन जो है। वो तो मैं भी जानती हूँ, मगर मुझे शक है कि शायद गीता अब रतन का रिश्ता पसंद न करे। वो क्यों? इसलिए कि अपनी गीता इतनी पढ़ी लिखी है और रतन ठहरा अनपढ़। अनपढ़? ये तुमने कैसे कह दिया? माना कि रतन सिर्फ मिडिल पास है, उसके पास कोई डिग्री नहीं, मगर तालीम का मतलब है जिंदगी और दुनियादारी को समझना। इस लिहाज से रतन किसी बीएम में से कम नहीं, वरना इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जमींदारी कैसे चला रहा है? और फिर खूबसूरत है, जवान है, शरीफ है। सोच लीजिए। सोचना कैसा, इस बात का फैसला तो बरसों पहले हो चुका था, और फिर वो दिन भूल गई जब आज से 10 बरस पहले गीता सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, और फिर अस्पताल ले जाने के बाद। डॉक्टर साहब, बच्ची की जान बचाने के लिए शायद इसका पांव काटना पड़े, वरना सारे जिस्म में जहर फैल जाने का अंदेशा है। डॉक्टर साहब घबराइए नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो बच्ची की किस्मत के साथ हमारी किस्मत भी फूट जाएगी। हमारी अपाहिज बेटी की डोली कौन अपने घर लेकर जाएगा? हंसराज, ऐसा कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। गीता को तो हम कब से अपनी बहू मान चुके हैं। हीरालाल, क्या तुम ये समझते हो कि हीरालाल अपने दोस्त को जबान देकर फिर जाएगा? है हीरालाल, तुम सचमुच हीरा हो। हीरा, तुमने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। गीता, रतन, घबराओ नहीं, तुम अच्छी हो जाओगी, मैं जो आ गया तुम्हारे पास। वो तो हमारी खुशकिस्मती से गीता अपाहिज होने से बच गई, वरना हीरालाल ने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया था। अब हमारा भी तो कुछ फर्ज है भाई। मैंने तो अपनी राय तुम्हें दे दी, अब तुम जानो और तुम्हारी बेटी। रतन, रतन भैया, रतन भैया, रतन भैया, सजग हो गया। क्या बात है तुलसी? शहर के छोकरे छोकरियां नाच कूद कर फसल तबाह कर रहे हैं। फसल तबाह कर रहे हैं? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने तो उन्हें बहुत रोका, मगर वो उल्टी मेरी हंसी उड़ाने लगे। अच्छा? हाँ। यूं हंस हंस कर देखो ना इधर,
नजरे ना शरारत कर बैठे, नजरे ना शरारत कर बैठे। हमको है ये डर, हम घबरा कर तुमसे ना, हाय तुमसे ना मोहब्बत कर बैठे, तुमसे ना मोहब्बत कर बैठे जी तुम। दिल से न लिपट जाए आकर, दिल से न लिपट जाए आकर। इन कदमों में दिल वालों ने दिल फेंक दिए हैं घबरा कर, दिल फेंक दिए हैं घबरा कर। ये मतवाली आंखें काली, ये मतवाली हम पर ना हुकूमत कर बैठे, हम पर ना हुकूमत कर बैठे। हमको है ये डर, हम घबरा कर तुमसे ना मोहब्बत कर बैठे, तुमसे ना मोहब्बत। घबरा कर तुमसे ना मोहब्बत कर बैठे, बिना मोहब्बत कर बैठे। हमको है ये डर, हम झुंझला कर सबकी ना मरम्मत कर बैठे, सबकी ना मरम्मत कर बैठे। ये सब क्या हो रहा है? फसल का सत्यानाश हो रहा है और तू खड़ा तमाशा देख रहा है। अगर तुझे मेरा खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता तो ले बैठ जाता हूं। बनारसी ओ भले लोगों, ये सब क्या तमाशा है? चलो बाहर निकलो। क्या कहा? अरे राम राम राम, अपने से तो ये बेशर्मी देखी नहीं जाती। जवान छोकरे छोकरियां एक साथ उदम मचा रहे हैं। सुनिए इन गवारों की बात, दुनिया बदल गई मगर इनकी जहालत नहीं गई। इसमें क्या शक है? देखिए साहब, शराफत से बात कीजिए, खेलना कूदना हो तो किसी मैदान में जाइए। ये मैदान नहीं तो क्या कब्रिस्तान है? आप लड़की ना होती तो मैं जरूर इसका जवाब देता। मैंने कहा आप ही अपने साथियों को समझाइए ना। ए भाई साहब, अरे ये भाई साहब तो बहन जी निकले। इन गवारों को लड़के लड़की में पहचान नहीं। तो आप हमें इनसे जान पहचान कर ही लेने दो। नहीं, कम से कम हमें तो अपनी शराफत नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों से आखिरी बार कहता हूँ, आप लोग हमारी फसल पर काफी मेहरबानी कर चुके हैं। क्या फसल लगा रखी है? सेठ दो सेरा नाच के लिए इतना चिल्ला रहे हो?
ये लो 10 रुपए और छोड़ो पीछा। ये सेर दो सेर अनाज की बात नहीं मेम साहब, आप कहें तो हम आपको मन दो मन 10 मन अनाज दे सकते हैं। अरे तुम किसी को क्या दोगे जो मामूली पौधों के लिए लाल पीले हो रहे हो। आपको ये मामूली पौधे नजर आते हैं मगर इनकी कीमत उस किसान से पूछिए जो सर्दी की चिचिरती रातों और गर्मी की झुलसती धूप का सामना करता है, तब कहीं जाकर उसके पसीने के कतरे अनाज के दाने बनकर दिखाई देते हैं। मेम साहब हम इस फसल को अपनी औलाद से कम नहीं समझते। ये गवार अब तक फसल को औलाद कहते हैं। और अजब नहीं जो कल भैंस को मौसी कहकर पुकारे। ए मिस्टर जबान को काबू में रखो नहीं तो इधर हाथ पे काबू हो जाएगा। बहुत हो चुकी सर, ये चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अब यहाँ से चलना ही बेहतर। चलो चलो सामान उठाओ चलो। घूर घूर के क्या देख रहे हो, हम तुम्हारे डर से नहीं अपना शौक पूरा करके जा रहे हैं। ऐसे शौक शहर में पूरा करो मेम साहब, कम से कम देहात में तो ये बीमारी ना फैलाओ। हाँ। फितने का सारा मजाक किरकिरा कर दिया, जंगे कहीं के। क्या कहा? क्या गजब किया रतन चौधरी, ऐसी जलवेदार कबूतरियां रोज रोज तो देखने में नहीं आती। अरे लानत भेजो ऐसे जलवे पर। सुना तो था चौधरी मगर आज पढ़ी लिखी शहरी छोकरियों के लक्षण आंखों से देख लिए। अरे शर्म हया तो 100 कोस दूर है। अरे हजार कोस। अरे रतन आ गया तू, बैठ। बेटा आज का दिन बड़ा शुभ है, तेरे रिश्ते का खत आया है। रिश्ते का? हाँ, और ये भी लिखा है कि शादी अगले महीने हो जानी चाहिए, नहीं तो साल भर तो कोई मुहूर्त नहीं। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी। वाह, बचपन में तो एक पल के लिए भी जुदा नहीं रहता था गीता से। गीता? अरे भूल गया गीता को, लाला हंसराज की बेटी जिसके साथ तू तो बचपन ही में शादी करने के लिए। गीता क्यों अब याद आया कि नहीं? अरे किस सोच में पड़ गए, बोल क्या जवाब लिखी चिट्ठी का? मुझसे क्या पूछती हो माँ, मैंने कभी तुम्हारा हुक्म टाला? ये गवार वही तो नहीं जिससे गांव में हमारी झड़प हो गई थी? लगता तो ऐसे ही। अरे लगता क्या, वही तो है। कमाल है, गीता को ये क्या सोची। अरे देख उस मुच्छल को। ये मूछे के भैंस की पूछ। अरे उस पगड़ोमल को भी तो देखो। मालूम होता है कपड़े की पूरी दुकान सर पर बांध रखी है। क्या कहना इस बारात का, एक से एक बढ़िया कार्टून है। मगर ये बारात आई कहाँ से है? चिड़ियाघर से। शांता मगर मेरे प्रेजेंट का क्या होगा? होना क्या है, रोमियो जूलियट के बजाय ABC की प्राइमर दे दो। भाई मैं तो स्लेट पेंसिल देने वाली हूँ। अरे क्यों खाम खा अपना वक्त जाया कर रही हूँ, चल के गीता से पूछ लेते कि दूल्हा को कौन सा तोहफा पसंद है। तुलसी भैया बारात की खातिर तो खूब हुई। अरे वो तो जो होनी थी हो चुकी, मुझे तो रतन पर तरस आता है जिसकी खातिर जिंदगी भर होती दिखाई देती। दूल्हा राजा आपको जरा अंदर बुलाया है, आइए ना आइए। सही बात, तबीयत खुश हो गई बारातियों को देखकर। अरे जल्दी करो, तुम लोगों को शर्म नहीं आई ऐसे मजाक करते, बाराती क्या सोचते होगी। अरे बारातियों को छोड़, ये तो बता तूने क्या सोच कर गोबर गणेश से शादी की। ये तो वही बात हुई कब्बे की चोच में अंगूर। जरूर कुछ दाल में काला है, बल्कि गड़बड़ घोटाला है। अरे तुम तो सब एकदम बुद्धू हो, गीता कोई दूध पीती बच्ची नहीं, इसकी भोली भाली सूरत पर नहीं जाना, ये हमसे भी 4 कदम आगे है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर गीता अपनी से ज्यादा पढ़ी लिखी से शादी करती
तो जिंदगी भर उसकी गुलामी करती, अब वो इसकी गुलामी करेगा। उससे उंगलियों पर नचाएगी, उम्र भर ऐश करेगी, अकल का अंधा और गांड का पूरा पति फांसा है किसने? फांसा है तो तुम क्यों जलती? तुम्हें हिम्मत है तो तुम भी फांस लो ऐसा पति। यारी हो, कोई ऐसे मिट्टी का माधु ढूंढो ना इसके लिए। और तेरे लिए नहीं। शादी बड़े ठाठवाट से हुई है। हाँ। तो घर लेकर नहीं गए। सुना है कि शहरी कबूतरियों ने बड़ी खातिर की है बारातियों। अरे कहो तो तुम्हारी खातिर यही कर दूं। क्या समझ रखा है तुमने? जानते हो कॉलेज की पढ़ी लिखी है बहू, पूरा एफा बीया पास है, फिर तो कल्याण हो गया रतन चौधरी का। अगर पढ़ी लिखी जोरू घर में आ जाए तो कचहरी और घर में कोई फर्क नहीं रहता। ये तेरा हक, ये मेरा हक, ये तेरा कमरा, ये मेरा कमरा, एक घर के 10 घर हो जाते हैं। क्या कहते हो? मेरा नाम रतन है, रतन।
मेरे घर में ऐसा नहीं चल सकता। गोपी सुनार का बेटा राजा भी यही कहता था, लेकिन जब दिल्ली से पढ़ी लिखी जोरू लेकर के आया तो घर का चांदनी चौक और जीवन का बाइस्कोप बन गया। मुझे राजा ना समझा ताऊ। अरे ताऊ, तुम तो सठिया गए। पढ़ी लिखी बीवी के गुण भी जानते हो, घर का सारा साहूकारा खुद संभाल लेगी और रतन चौधरी टांग पे टांग धरे आराम करेंगे। अब तो मैंने भी पढ़ी लिखी बीवी लाने का फैसला कर लिया, वक्त पड़े तो कमा कर खिला भी सकती है। अरे भैया, खबरदार जैसी बात की। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? भूल तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, लेकिन जहां तक हुई है वहीं तक रहने दो। बना रही बहू। गीता बेटी, क्या बात है? कुछ नहीं बचे। ये क्या, रतन ने दूध पिया नहीं? क्यों बहू, रतन से कुछ झगड़ा हो गया? उसने कुछ कहा सुना? उन्होंने तो मुझसे बात तक नहीं की बच्ची, न जाने क्या भूल हो गई मुझे। भूल तुम्हारी नहीं बेटी, उस नालायक की भूल है। मैं तो रात कुछ और ही समझा था। न जाने अचानक क्या हो गया उसे, पर तुम मन छोटा न करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ नहीं बेटी, मैं खुद उस मूर्ख से पूछूंगी। तुम तो जब पूछोगी पूछोगी, मैं अभी जाकर उस बेवकूफ का दिमाग ठीक करता हूँ। अब सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। वो अपनी शहरी सहेलियों को बताएगी कि कभी भूल कर भी किसी गाँव वाले को बुद्धू नहीं समझना। तुमने जो किया अच्छा किया रतन भैया। अरे चौधरी साहब। राम 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 चौधरी। राम राम। ठहरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी करतूत पर। उस देवी से यही सलूक करने को भी आकर लाए थे? चलो घर और माफी मांगो बहू से। माफी तो एक तरफ, मैं तो उसका नाम तक सुनना नहीं चाहता। तुम्हारा सर तो नहीं फिर गया? आखिर उसने क्या कह दिया तुझे? मैं भी तो जानूं क्या दोष है बेचारी का। दोष उसका नहीं मेरा है, जो अनपढ़ होकर एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर बैठा। क्या बकते हो, ये लड़की वही तो है जिससे बचपन में एक मिनट भी जुदा होना पसंद न करते थे। बचपन की बात और थी पिताजी, अब मेरे और उसके विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ऐसी लड़कियों के रंग ढंग अच्छी तरह देख चुका हूँ, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने आप को हर सांचे में ढाल सकती हैं। बदतमीज, तेरी जबान न जल गई ऐसी बात मुझसे निकालते हुए? रतन, अब भी बाज आ जा अपनी हर से और चल घर। अब उस घर में हम दोनों में से एक ही रह सकता है, या आपकी पढ़ी लिखी फैशनेबल बहू या अनपढ़ और जाहिल बेटा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, आज से तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे बंद, हमेशा के लिए बंद। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ रतन भैया। अच्छा हो या बुरा, मैं अब इस गाँव में नहीं रहूंगा। नहीं नहीं रतन भैया, ऐसा ना, घर गृहस्थी में ऐसी बातें तो होती ही रहेंगी। मुझसे पूछो, अपने पिताजी की बात मान लो। हाँ, मेरा भी यही विचार है। अजीब आदमी हो तुम, घड़ी में कुछ घड़ी में कुछ। मगर रतन भैया, गांव छोड़कर जाओगे कहाँ, करोगे क्या? कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, मैं ये गांव छोड़ सकता, अपनी गैरत नहीं छोड़ सकता।
मुझे रतन से ऐसी उम्मीद न थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे सामने वो यूं ज़बान खोलेगा। न जाने किसने भड़का दिया उसे पढ़ी लिखी लड़कियों के खिलाफ, किसने इतना जहर भर दिया उसके दिल में। समझ में नहीं आता क्या करूं। आप इतने दुखी न हो पिताजी, मेरे कारण इस घर में इतना कलेश हो रहा है, इस पर मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि मेरी वजह से वो अपना घर भी छोड़ दे, इसलिए आप मुझे महके जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं बहू, ये कैसे हो सकता है? गांव वाले क्या सोचेंगे, बिरादरी क्या कहेगी? मगर ये भी तो सोचिए माँ जी, जब वो मेरे यहाँ होते इस घर में कदम नहीं रखेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, इससे तो और बदनामी होगी। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं अपने मेके से वापस आ जाऊंगी। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन मैं हंसराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्हें मैं समझा लूंगी, आप चिंता न कीजिए। अब इस घर की लाज मेरी लाज है। मैंने कहा कल कपड़े वाले का टेलीफोन आया था, ऑफिस से आते ही उनका हिसाब कराइए। अरे गीता, तुम न खत न पत्थर न तार, तुम अचानक कैसी आ गई बेटी? तुम खामोश क्यों हो बेटी, कुछ बताओ तो सही। ये बेचारी क्या बताए, मुझे भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। घर में सब ठीक तो है ना? रतन तो अच्छा है। कि अक्का पत्थर पड़ गए, उसी की ना समझी ने आप लोगों के सामने मेरी गर्दन नीची कर दी। आखिर बात क्या है हीरालाल, हुआ क्या है? जिसकी सपने में भी उम्मीद न थी, न जाने रतन के दिल में शहरी और पढ़ी लिखी लड़कियों के बारे में क्यों इतनी नफरत बैठ गई है कि वो गीता के होते हुए घर में कदम रखने को तैयार है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि खास सोचा तुम लोगों ने, तुम्हें जो कुछ सोचना था शादी से पहले सोचना था। कल बेटा डोली लेकर गया और आज बाप उसे छोड़ने चला है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, दुनिया क्या क्या बातें बनाएगी। मारो गोली दुनिया की बातों को, मैं कहता हूँ हमारी बेटी का क्या बनेगा? क्या इसी दिन के लिए मुझसे थम्बी बनने को हाथ मिलाया था? क्या यही है मेरी दोस्ती को? आप इन पर क्यों बिगड़ रहे हैं, इनका तो कोई दोष नहीं। तुम चुप रहो बेटी, क्या मेरा ये कम दोष है कि मैं उस नालायक का बदनसीब बाप हूं? तुम्हारे जो जी माए कहो हंसराज, मैं समझता हूं तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन जरा मेरी तरफ देखो, तुम्हें सिर्फ बेटी का दुख है और मुझे बेटी बेटी दोनों का दुख है, दोनों। पिताजी आप इन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही कहा था कि मुझे मैके छोड़ा है। आप चलिए पिताजी, आपकी तबीयत खराब है, आराम कीजिए। आओ जब आपकी तबीयत अच्छी नहीं पिताजी, इतने बुखार है तो आप जाएंगे कैसे? जिद ना करो भैया, ये तुम्हारा अपना घर है, दो चार दिन यहीं आराम करो। आराम तो किस्मत से मिलता है भाभी। हीरालाल, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, गुस्से में न जाने क्या क्या मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए हंसराज, जिसके बेटे के कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। अच्छा अब मैं चलता हूं, गाड़ी का वक्त हो गया। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ते तो इस हालत में तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, हमारा आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। घबराओ नहीं हंसराज, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा भाभी नमस्ते जी। नहीं समझाओ ना इसे, तुम जा तो रहे हो रतन भैया, मगर मैं फिर कहूंगा कि एक बार अपने पिताजी से मिलकर तो जाते। अब मेरी और उनकी मुलाकात हो चुकी तुलसी,
यहाँ क्या हुआ भाई? बेचारा कोई मुसाफिर बेहोश हो गया। अच्छा जरा हटना तो। सबर करो, देखो रो रो के क्या हालत हुई। मत रो माँ। माँ जी, लाला हंसराज और गीता बहू आए हैं। बैठा रतन। बैठिए। हीरालाल जी के चल बसने का बहुत अफसोस है। हीरालाल तुम्हें ही यतीम नहीं कर गया, मेरी दोस्ती को भी यतीम कर गया। अब ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा? गीता ने जब ये दुख भरी खबर सुनी तो कहने लगी, ऐसे समय पर एक दूसरे का दुख बांटने के लिए उसका इस घर में होना बहुत जरूरी है। माफ कीजिए लाला जी, आपकी बेटी के यहाँ होने से इस घर का दुख घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। मैं तुम्हारे जवाब से हैरान नहीं हुआ रतन, क्योंकि गीता के बारे में तुम्हारे विचार मुझे मालूम हो चुके हैं। यह तो और भी अच्छा हुआ, मुझे आपके सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रतन बेटा, ये मौका ऐसी बात ही करने का तो नहीं, लेकिन अब तुमने बात छेड़ ही दी है तो सुनो। एक बाप अपनी बेटी के बारे में चुप नहीं रह सकता। मैं पूछता हूं कि अगर तुमको इसी तरह गीता के जीवन से खेलना था तो उसे अपना जीवन साथी क्यों बनाया? इसे मेरी भूल समझिए या बदनसीबी? भूल मेरी थी और बदनसीबी मेरी बेटी की, मगर उसके बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले उसे दो चार दिन अपने पास ठहरने का मौका तो दिया होता। दादाजी, पिताजी की मौत से जो दुख का पहाड़ मुझ पर टूटा है उस वक्त मुझे कुछ सोचने नहीं देता। मैं समझता हूँ, मगर जरा उस मासूम के दुख का भी तो अंदाजा करो, वो क्या करे? देखिए लाला जी, मैं कोई मुलजिम नहीं कि आप वकीलों की तरह मुझ पर झिरा करें। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मेरे सवाल का ना सही, मगर तुम्हें उसके हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा जिसे अग्नि के सामने तुमने अपने दुख सुख का साथी माना था। मैं गीता को यहीं बुलाता हूं। सुनिए लाला जी, अगर वो इस घर में रही तो मैं नहीं रहूंगा। पति के बिना उसे ससुराल में रहना तो भले रहे। रतन, मेरी बात तो सुनो। रतन, ठहरो भैया, मैं बुलाती हूँ उसे। न जाने क्या हो गया है इस मूर्ख को। रहने दीजिए बाजी, आप कष्ट करें, मैं उनकी पत्नी हूँ, वो मेरे साथ जैसा सलूक चाहे कर सकते हैं, मगर मैं पिताजी का अपमान नहीं देख सकती। चलिए पिताजी, मुझे मेरी किस्मत पे छोड़ दीजिए। हाँ माजी, शायद मेरे भाग्य आपकी सेवा करना नहीं लिखा। बेटी की शादी होती तो माँ बाप के सर का बोझ उतर जाता है, पर हमारी किस्मत सर का बोझ उतर कर दिल का बोझ बन गया। अब क्या होगा? होगा क्या, गीता अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर? हाँ, दूसरों का दुख दूर करने से भला काम और क्या होगा। वो तो ठीक है, पर अपने दुख का इलाज कैसे करेगी? और फिर पहली पढ़ाई ने क्या कम मुसीबत खड़ी की है जो और पढ़ाने की सोच रहे हो? मुसीबत पढ़ाई ने नहीं, उस मूर्ख की नासमझी ने खड़ी की है। तुम भी तो कुछ बोलो गीता बेटी, तुम्हारा क्या विचार है? मैं क्या बोलूंगा, इस बारे में आप बेहतर जानते हैं। मेरा तो कुछ दिल नहीं मानता। तो क्या तुम ये चाहती हो कि बेटी का दुख हमेशा के लिए मेरे दिल का बोझ बना रहे? मैं चैन से मर भी नहीं। हाय, कैसी बात मुझसे निकालते हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि बात कहीं बढ़ ना जाए। बात बढ़ने में अभी कुछ कसर है क्या? वो सर फिरा छोका कहीं रास्ते पर ना आया तो लड़की डॉक्टर बनकर अपने पांव पर तो खड़ी हो सकेगी? अब वो जमाना लग गया गीता की माँ,
जब औरत को अपना जीवन बिताने के लिए मर्द का मोहताज रहना पड़ता था। सुना तुमने, न्यारे की हर बात न्यारी होती है। न्यारे से एक लिफाफा मंगवा दीजिए पिताजी, मैं ये खुशखबरी उन्हें भी लिखकर भेज दूं। रतन को, जिसने तुम्हारी हर चिट्ठी बिन पढ़े वापस कर दी, और फिर उसे ये जानकर क्या खुशी होगी? मगर मेरा तो फर्ज है पिताजी। वाह बेटी, तूने कभी अपने फर्ज को नहीं भूला। और उस मूर्ख ने कभी अपना फर्ज याद नहीं किया। पिताजी, यही तो फर्क है पति पत्नी में गीता के पिता। पत्नी दुख अकेले काट लेती है, मगर सुख में पति को जरूर याद करती है। और पति सुख अकेले काट लेता है, मगर दुख में पत्नी को जरूर याद करता है। जैसे किसी दिन रतन याद करेगा। ऐसा न कहो माँ, अगर वो दुखी होकर ही मुझे याद कर सकते हैं तो मैं यूं ही अच्छी हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। अरे उषा, शारदा, मीना, नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। चलो उठो, बच्चों में बूढ़े नहीं सजते। अरे मैं पूछती हूँ, आज ये कॉलेज के पुराने पापियों की बिखरी हुई टोली जमा कैसे हो गई? इसलिए कि कल अपने कॉलेज के ऑल स्टूडेंट्स का सालाना फंक्शन है और हमें इसमें अपना रंग जमाना है, इसलिए तुम्हें इनवाइट करने आए हैं। अगर तू नहीं आई तो मार मार के डॉक्टर से मरीज बना दे। हेलो, शारदा। हेलो गीता, आंखें तरस गई तुम्हें देखने को। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दी, मैं तो यही हूँ। हाउ डू यू डू डॉक्टर गीता? मिजाज तो अच्छा है। डॉक्टर तो दूसरों का मिजाज अच्छा करते हैं, कोई तकलीफ हो तो कही। गीता, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। यू आर लुकिंग प्रिटी टू। प्लीज। और सुनाओ गीता, कैसे गुजर रही है? अरे जगदीश भैया नजर नहीं आते, कहाँ है? मैं क्या जानू। क्या कहती हूँ छात्रा, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? मैं उनके साथ नहीं रहती। वो क्यों? इस क्यों के जवाब में तो एक लेक्चर देना पड़ेगा मुझे। बस यूँ समझ लो, दोनों के ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क टूट गया, इसलिए निभ ना सकी। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई थी निशा। इसमें बुराई कैसी? जो कोट बदन पर फिट नहीं आए उसे बदल देने में क्या अर्थ है? शांता, पति कोट नहीं होता, परमेश्वर होता है, और परमेश्वर बदला नहीं जाता, प्रेम और भक्ति से बस में किया जाता है। सुना तुमने, जरा इधर आना। क्या बात कही है गीता ने, पति परमेश्वर होता है। गीता, तुम्हें तो डिस्पेंसरी खोलने के बजाय कोई आश्रम खोलना चाहिए। भाई आज से गीता को कोई डॉक्टर मत कहे। बोलो श्रीमती स्वामिनी गीता देवी की जय। शांता, ये तो मेरा मजाक नहीं, उस सभ्यता का मजाक उड़ा रही हो जिसने सीता और दमयंती जैसी सतियां पैदा की हैं, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि पति और पत्नी का संबंध क्या होता है। इस जमाने में किस जमाने की बात करती हो? तुम मेरी तरह होती तो तुम भी यही करती। हरगिज नहीं, मैं गीता हूँ, शांता नहीं। शांता बनना कोई खेल नहीं, शांता में आर्ट है, शांता स्मार्ट है, शांता जमाने के साथ चल सकती है। वेरी गुड शांता। यही तो फर्क है गीता और शांता में, शांता जमाने के साथ चल सकती है, मगर गीता जिस सभ्यता की गोद में पली है वो जमाने के साथ नहीं, जमाना उसके साथ चलता है। तुम सभ्यता के आर लेकर अपनी कमजोरी छुपाना चाहती हो? जमाना किसके साथ चलता है अभी देख लो। हे दिलवा,
जीना है जिंदगी पप्पा जमा दिल पप्पा है दिल रुबा तुझको क्या पता जिंदगी में हर दिल को जीत कर जीना है जिंदगी पप्पा जमा दिल पप्पा पप्पा जमा दिल पप्पा गीता ए गीता कुछ हो जाए पागल हो गई हो क्या तुम तो जानती हो मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं ये तो हमें भी मालूम है लेकिन इसके दांत जरूर खट्टे करने हैं हमारे घर पे गीता प्लीज प्लीज गीता जमा दिल पप्पा है दिल रुबा तुझको क्या पता जिंदगी में हर दिल को जीत कर जीना है जिंदगी ओ पप्पा जमा दिल ओ पप्पा पप्पा जमा दिल पप्पा भर देना दिल को एक दिल के पिंजरे में कैद कर
मुझ मर लू हो पप्पा, वे है दिल रुबा, तूने से कहा जिंदगी में हर दिन को जीत कर जीना है जिंदगी, हो पप्पा जमर लो हो पप्पा, पप्पा जमर लो हो पप्पा। दोबारा ऐसा रंग दिखा दिया ना, दुनिया छोड़कर साधु बन जाना। शांता संभालो अपने जमाने को, मेरे पीछे आ रहा है। सुनो तो गीता। शांता नाराज हो क्या? बेहद नाराज पगली, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि मैं भी महफिल की शमा बन सकती हूँ, मगर बनना नहीं चाहती। रंज तो इसी बात का है कि जब तुम्हें इतनी खूबियाँ छुपी हुई हैं, तुम्हारे तरकीश में इतने तीर हैं, जमाना तुम्हारे इशारों पर नाच सकता है, तो फिर उस दिहाती के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? शांता तुम मुझे जो चाहो कह सकती हो, मगर मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। चाहे वो तुमसे कितनी ही नफरत क्यों ना करे, उनको मुझसे नहीं तुमसे नफरत है। तुमसे? मुझसे? हाँ, तुमसे और तुम जैसी दूसरी लड़कियों से, जिन्होंने समाज के सामने तालीम का गलत नक्शा पेश किया है। वो तुम्हारी जुर्म की सजा है जो मैं भुगत रही हूँ। तुम तो ठीक नक्शा पेश कर रहे हो ना, तो फिर भुगतो सजा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दुआओं की मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है, जो अपनी मंजिल से भटक चुकी है। मेरी मंजिल तो मेरे सामने है। रतन, अरे क्या पागल हो गया है? देख तो ले क्या लिखा है बिचारी ने। मैं बिना देखे बता सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तुम जाओ मुनीम जी, भेज दो 5,000 रुपया हमारे ससुर के नाम, और लिख दो कि तुम्हारी बेटी के खर्च पानी के लिए भेज रहा हूँ। खर्च पानी? ये तुमने कैसे सोच लिया? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा ना सही माँ, मगर दुनिया देखी मैंने, इतनी देर के बाद दूसरा खत आने का और क्या मतलब हो सकता है। कचहरी में जाकर बदनाम होने से यही बेहतर है कि मैं अपने आप भेज दूँ। मुनीम जी लिख दो कि तुम्हारी बेटी से शादी करके मैं जो जुर्म कर बैठा हूँ, उसका जुर्माना जितना चाहोगे मैं भर दूंगा। और हाँ, ये भी लिख दो कि ये रुपया अगर कम पड़े तो और मंगवा ले। रतन, रतन, देखा तुम, उस नालायक ने खर्च के लिए 5,000 रुपया नहीं भेजा, बल्कि हमारे मुंह पर एक थप्पड़ मारा।
आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? मैं अभी ये रुपया उसे वापस भेजता हूँ और लिखता हूँ कि आइंदा हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ये आप क्या कहते हैं पिताजी? जरा सोचिए, उन्हें मेरा कितना ख्याल है। उन्होंने तो ये रुपये इसलिए भेजा है कि मैं आप पर बोझ न बनूं। तू बहुत भोली है गीता। क्या पेट की औलाद भी कभी माँ बाप पर बोझ हुई है? ये रुपया उसने हमारी गर्दन नीची करने के लिए भेजा। मैं अभी इसे वापस करता हूँ। नहीं पिताजी, मैं इसे वापस नहीं भेजने दूंगी। ये रुपया उन्होंने अपनी पत्नी के लिए भेजा है, जिस पर मेरा पूरा अधिकार है। एक दिन आप ही ने तो कहा था माँ कि डॉक्टरी पास करके अपने दुख का इलाज कैसे करूंगी। अब वो समय आ गया है, मैं इस रुपये से उन्हीं के गांव में अपना नया जीवन शुरू करूंगी। सोचिए नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए बेटी। लो न्यारे, तुम तो सिर्फ कंपाउंडर बनना चाहते थे, मैंने तुम्हें पूरा डॉक्टर बना दिया। अब तो खुश हो ना? नीम हकीम, खतरा है जान। क्या कहा? डिग्री तो लेडी डॉक्टर की है ना, किसी ने पूछ लिया तो क्या दिखाओगे तुम्हें? मुझे लेडी ये है और डॉक्टर मैं हूँ। जय शकुनी मामा। हंसते रहती। चलिए नीम जी आइए। मैंने कहा सरदार जी, यहाँ कोई मकान खाली है किराए के लिए? मकान? ओ शाह जी, ये गांव है गांव, शहर नहीं। अगर मकान खाली ना भी हो, हम अपने मेहमान के लिए मकान खाली कर देंगे। उसूल यही कहता है, पर मकान चाहिए किसे? हमें, हम शहर से आए हैं। मेरा नाम न्यारे लाल है और मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर न्यारे लाल? अरे भाई कमाल है। डॉक्टर जी? जी आप नहीं, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, जरा इधर तशरीफ लाइए। क्या बात है मुनीम जी? आप हैं हमारे गांव के सरकारी डॉक्टर, डॉक्टर प्यारे लाल, और आप हैं डॉक्टर न्यारे लाल। मगर सरकारी नहीं, शहर से आए हैं, इनसे मिलिए। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मगर आप गांव का रास्ता कैसे भूल पड़े? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आजकल शहरों में बीमारों ज्यादा तो डॉक्टर हो गए हैं, फिर भी आपकी दुआ से अपने पास तो मरीजों की इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी कि कभी कभी तो खाना पकाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। खाना पकाने की? मेरा मतलब है खाना खाने की। मगर हाय रे ग्राम सेवा, बस यही लगन मुझे यहाँ खींच लाई। तब तो बड़ी खुशी की बात है, चलो मेरा भी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। अजी मैं तो सबका बोझ हल्का कर दूं, मगर अपने घर का बोझ हल्का नहीं कर सकता। ओ मैं जरा मरीजों को। जरूर जरूर। विद्या कहाँ है? अभी अभी तो यही थी, जाने कहाँ गायब हो गई। और तुम्हारी अकल को क्या कहूँ, नया गांव, जवान छोकरी, कहीं रास्ता भूल गई तो? विद्या, ओ विद्या, विद्या आई चाचा। बड़ी ही नटखट है तू, कहाँ चली गई थी? चाचा पागल कहीं की। हरिओम हरिओम। हाँ जी, फिर वो मकान के बारे में कुछ हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दिखाता हूँ मकान, चलिए। धन्यवाद धन्यवाद। जवानी कसम, जिंदगी में तरह तरह की कबूतरियां देखी हैं आंखों ने, पर इस कमबख्त कबूतरी की चाल ही कुछ निराली। चलो ना यार। चक्का। वाह 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 वाह, मकान तो बहुत अच्छा है। कैसे ना हो, रतन चौधरी की हवेली है। रतन चौधरी की? क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर कौन है वो? इस गांव के सबसे बड़े जमींदार। मगर वो यहाँ क्यों नहीं रहते? पिताजी के चल बसने के बाद उनका यहाँ जी नहीं लगा, इसलिए दूसरी हवेली में चले गए हैं। लेकिन मुनीम जी, इसका किराया क्या देना पड़ेगा? अजी किराया काहे का, चौधरी साहब तो बस ये चाहते हैं कि रहने वाला इसे अपना घर समझ कर रहे। मुनीम जी, हम तो इसे अपना घर समझेंगे ही,
मगर जरा उनसे भी कह देना कि वो भी हमें अपना ही समझे। असूल यही कहता है। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, क्यों नहीं। बेटी दवाई तैयार हो गई? हाँ चाचा। ये लो 8 पुड़ियां, आज ही खा लेना 3-3 घंटे के बाद। जी। मगर चाचा, पहले जुकाम वाले मरीज को तो दिन भर में 4 पुड़ियां खाने को कहा था। अच्छा, तो फिर तुम 8 क्यों खाओ? तुम कोई बड़े मरीज हो क्या? ये दवाई है दवाई, मिठाई नहीं, समझे? अच्छा राम राम। राम राम राम। बेचारे की किस्मत अच्छी है, वरना गया था काम से। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। आओ भाई बैठो। मुझे तो टीका लगवाना है डॉक्टर साहब। टीका? जी हाँ, पेंसिलिन का। ये पेंसिल का टीका क्या होता है? लो, हम तुम्हें चंदन का टीका लगाते हैं, तुम भी क्या याद करोगे? टीका टीका। डॉक्टर साहब, दिल लगी करते हैं क्या? यही तो खूबी है मेरे चाचा में, ये कितनी ही बीमारियों का इलाज हंसे दिल लगी में कर जाते हैं। मगर मेरा फोड़ा तो हंसी दिल लगी में ठीक नहीं होगा बीबी जी, इसीलिए तो मैंने शहर से पेंसिलिन मंगवाई है। पेनिसिलिन? अरे भाई, तो पेंसिलिन कहो ना, ये पेंसिल पेंसिल क्या लगा रखी है? लाओ लाओ, बाजू इधर मुंह उधर, और जब तक हम ना कहें मुंह इधर मत घुमाना। विद्या बेटी, जरा वो तौलिया लाओ, मरीज का मुंह ढांप दे, जल्दी जल्दी। मगर डॉक्टर साहब, दूसरे डॉक्टर तौलिया नहीं डालते। अरे उनके पास तौलिया होगा नहीं। और सुनो, हिलना जुलना नहीं, कहीं इधर उधर लग गया तो हमारे माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। विद्या बेटी, मैं मरीज को टीका लगाता हूं, और तुम जरा इसका बाजू पकड़ो। आहिस्ता बीवी जी। आहिस्ता बेटी, आहिस्ता, मरीज कमजोर है। हिलो मत, डरो मत, डरो मत। शाबाश शाबाश। उधर कर लो। कमाल है डॉक्टर साहब, आपकी भतीजी का हाथ कितना सख्त और आपका हाथ कितना नरम है। अरे यही तो फर्क है एक डॉक्टर और कंपाउंडर में। आपकी फीस? फीस? फीस स्कूल में दो, हम डॉक्टर हैं, मास्टर नहीं। वाह डॉक्टर, भगवान आपका भला करे। और हाँ डॉक्टर साहब, खाने पीने का परहेज? अरे जो जी चाहे खाओ प्यारे, किस मुंह रखने रोका, एक तो भैया गम नहीं खाना, एक ना खाना धोखा। डॉक्टर राम राम। बेटी विद्या, संभालो अपनी विद्या, डॉक्टर साहब अब खाना पकाएंगे।
विद्या, विद्या, मेरी बच्ची, क्या हुआ इसे? अजी ये तो डूब चली थी पानी में, वो तो भगवान का शुक्र कीजिए कि मैं इधर से गुजर रहा था, नहीं तो। अच्छा, फिर तो आपका शुक्र करना चाहिए। अजी मेरा शुक्र कहे का, वो तो पानी ही जरा कम था। क्या कहते हो जी, डूबने वाले तो चुल्लू भर पानी में डूब जाते हैं। विद्या मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ, तू बोलती क्यों नहीं, इसे जल्दी होश में लाइए, कुछ तो कीजिए। विद्या, विद्या। विद्या बेटी, विद्या बेटी। चाय मांग रही है। अभी चाय नहीं, मैं इसका चाचा हूँ, मुझे बुला रही है। विद्या बेटी कुछ बोलो। चाचा, ये कौन है? तेरे लिए तो ये भगवान है बेटी। चलो उठो, घर चले, चलो उठो, शाबाश, उठो उठो बेटी, शाबाश, आजा, शाबाश, उठो उठो, शाबाश। श्रीमान जी, जहाँ आपने मुझ पर इतना एहसान किया है, मेरी बेटी को घर पहुँचाने की तकलीफ भी कर दीजिए। अजी तकलीफ कैसी, ये तो मेरा फर्ज है। धन्यवाद, धन्यवाद, चलिए। विद्या की चाची, ओ विद्या की चाची, क्या है, कहाँ गुम हो गई? मैं कोई सुई हूँ जो गुम हो जाऊंगी? क्या हुआ? अरे नया जन्म हुआ है समझो अपनी विद्या का। क्या? डूब चली थी दरिया में। हाय राम, मैं पहले भगवान का प्रसाद बांटा हूँ जाकर। अरे भगवान, भगवान का प्रसाद पीछे बांटना, पहले इस पहलवान का धन्यवाद कर जिन्होंने अपनी बेटी को डूबने से बचाया है। धन्यवाद। अच्छा तो आप ही वो डॉक्टर हैं जिनका जिक्र? अजी मैं कहाँ का डॉक्टर हूँ, असली डॉक्टर तो आप निकले चौधरी साहब, जो हमारी बच्ची को मौत के मुंह से छुड़ा लाए। देखिए इनके कपड़े जल्दी से बदल दीजिए, कहीं सर्दी ना लग जाए। हाँ हाँ, भेजता हूँ इसकी चाची को। मैं इतने में इसके लिए दूध गर्म करके लाता हूँ। आप बैठिए ना जी, बैठिए बैठिए जी। अब कैसी है तबीयत? अब तो अच्छी। अच्छा तो मैं अब चलूं? अच्छा, मगर ये तो बताइए, जब आपको तैरना नहीं आता था तो पानी में क्यों उतरी? तैरना सीखने के लिए। ओ अच्छा, तो मैं अब चलूं? अच्छा। और हाँ, फिर तो कभी तैरना नहीं सीखेंगे? कोई बचाने वाला होगा तो जरूर सीखूंगी। ओ अच्छा, तो मैं अब चलूं? अच्छा। अगर आपको बचाने में कोई खुद डूब गया तो? कभी बचाने वाले भी डूबे हैं। ओ अच्छा, तो मैं अब चलूं? आपने मुझे कुछ कहा? मैंने कहा, जरा सुनिए, जाते ही कपड़े बदल लीजिए, कहीं सर्दी ना लग जाए। सर्दी लग भी गई तो यहाँ आ जाऊंगा जी? मेरा मतलब है, अब तो घर ही में डॉक्टर है। अच्छा तो अब मैं चलूं? चले कहाँ चौधरी जी, आप पहली बार हमारे घर में पधारे हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। सुनिए, हमारे गुरुदेव फरमा गए हैं, अगर कपड़े कभी हों तन पे गीले तो फौरन दूध गर्मा गर्म पी ले। पी लीजिए जी।
अच्छा तो मैं अब चलूं? अच्छा हो गए मारे न्यारे, सब पी गया। आप और मेरे सफाखाने में जी? मेरा मतलब है कि इधर उधर क्या देख रहे थे आप? जी मैं वो मैं तो आप ही को देख रहा हूँ। मुझे देख रहे थे जी? तो आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, घबराइए मत, अपना ही घर समझिए, बैठिए 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 बैठिए। अब आराम से देखिए, शौक से देखिए, जी भर के देखिए। देख लिया जी? मेरा मतलब है कि आज सवेरे सवेरे आपको मेरी याद कैसे आ गई? जी दरअसल बात यह है कि मेरी तबीयत कल से... तबीयत क्या हुआ तबीयत को? जी कल से कुछ बेचैन सी है, मेरा मतलब है कि... बत, 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 बत। आगे कुछ मत कहिए, मैं सब समझता हूँ। हम नबज देखकर मरीज तो क्या उसके रिश्तेदारों तक की बीमारी बता सकते हैं। आपकी नबज बताती है कि रात आप चैन से नहीं सो सके जी, और कुछ उलझन में फंसे रहे जी। जी हाँ। और कुछ खांसी भी है जी, थोड़ी थोड़ी। चौधरी साहब ये क्या बात है, इधर से कुछ ठंडी हवा आती है क्या जी? मैं अभी इस खिड़की को बंद कर देता हूँ, खांसी के लिए ठंडी हवा बहुत खराब है। आप नहीं समझते, आप मरीज हैं, मैं डॉक्टर हूँ। देखिए चौधरी साहब, आपके मर्ज की दवा तो मेरे पास है मगर अभी मिलेगी नहीं। क्यों? इसलिए कि जब तक इस मर्ज की तमाम निशानियां आप में नजर नहीं आ जाती उस वक्त तक दवाई देना खतरे से खाली नहीं। आखिर ये जिंदगी का सवाल है, क्यों है ना जी? आप पानी पियेंगे? जी हाँ। इस मर्ज में प्यास भी बहुत लगती है। अरे भाई जल्दी एक गिलास पानी भेजना जल्दी। आता है जी, आता है आता है। पानी। चाचा चाचा दाल जल रही है। दाल जल रही है, दाल जल रही है तो इसमें मैं क्या करूं? लो देखो जी, एक बार इसे शौकिया खाना पकाकर खिलाया था, अब ये मुझ पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे मैं इसके बाप का बावर्ची हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रही है, चल अंदर दाल देखे चल। आपकी तबीयत तो अच्छी है जी? मैं तो आपकी तबीयत पूछने आया था, कैसी हैं आप? आपको कैसी लगती हूँ जी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। सुनिए तो छोड़िए, कहीं चाचा ना आ जाए। तो फिर कहाँ मिले? मैं शाम को खेतों की तरफ सैर करने जाती हूँ। ठीक है, मैं वही इंतजार करूंगा। दाल चल गई, दाल चल गई। छोटी सी बात के लिए सारा घर सर पर उठा लिया। दाल जल गई क्या डॉक्टर साहब? अजी दाल जल भी गई और गल भी गई। चौधरी साहब चेहरे पर बड़ी रौनक मालूम हो रही है, क्या बात है? बस डॉक्टर साहब आपके पास आते ही तबीयत ठीक हो गई। अजी तबीयत तो ठीक हो ही जाती है, नीयत ठीक होनी चाहिए नीयत। अच्छा डॉक्टर साहब हो गए मारे न्यारे। तुम
रतन भैया, मैंने कहा कहो तो आलू वाले खेत को पानी दे दूं क्या? हाँ हाँ जाओ दे दो। उल्लू कहेगा फिर तुम? ओ, वो आलू को तो कालू ने पानी दे दिया, अब वो मंदिर वाले खेत का चकंदर सूखा पड़ा है। तो गीला कर दो ना उसे। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे क्यों तंग करते हो? जाओ। विद्या, रतन, तुम्हारा हो चुका है। तुम बाज नहीं आओगे। अरे माँ, मैं माफ करना, कहीं ज्यादा तो नहीं लगे? देखो ना, मैं किसी के ध्यान में चांद सितारों की दुनिया में उड़ रहा था, उस जाहिल ने मुझे आलू चुकंदर के खेत में लापटका। आप किसके ध्यान में उड़ रहे थे जी? मैं, जिसके बिना मेरी जिंदगी एक वीरान खेत थी, और उसके आते ही हरियाली छा गई, समझी? झूठ नहीं समझी? तो ये गोरे गोरे गाल शर्म से लाल क्यों हो गए? शर्म से नहीं जी, ये तो थप्पड़ से लाल हुए हैं। इसे देखोगी ना तो शर्म से भी लाल हो जाएंगे। बड़े नटखट हो जी। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? आप तो बहुत अच्छे चित्रकार हैं। चित्रकार? हाँ, कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है। तस्वीर? पर ये किसकी तस्वीर है जी? ये तस्वीर नहीं, ये तो मैंने कुछ लिखा है। अच्छा? हाँ। क्या लिखा है जी? साफ तो लिखा है, विद्या रतन तुम्हारा हो चुका। इतना भी नहीं पढ़ सकती? मैं कौन से विद्यालय गई हूँ? अच्छा, घर वालों ने सोचा अगर इसे विद्यालय नहीं भेजना तो कम से कम नाम ही विद्या रख दो। आपको मेरा अनपढ़ होना बुरा लगा जी? अरे मैं तो छेड़ रहा था, मुझे तो देखते ही पता चल गया था कि तुम अनपढ़ हो, और इसी अदा ने तो मुझे लूट लिया। छोड़े जी, पढ़ाई लिखाई माथे पर लिखी होती है क्या? और नहीं तो क्या, पढ़ी लिखी लड़की को तो मैं 100 कोस से पहचान लूं। अच्छा? कभी देखा नहीं पढ़ी लिखी तितलियों को? अरे चटक चटक कर हंसती हैं और मटक मटक कर चलती हैं, लिपट लिपट और यूं नाचती हैं पराए मर्दों के साथ। भट्टो जी, आप ही तो पराए हैं मेरे लिए। तो फिर अपना बना लो ना। मैं तो कब का अपना बना चुकी, मगर आपने, आप मेरे चाचा से बात कीजिए ना। चाचा से? हाँ, और वो भी वो तरह चलती, कहीं बात बिगड़ न जाए। चाचा ने तो एक लड़के से बात भी कर ली थी मेरे लिए, पर चाची ने ना कर दी, क्योंकि उस लड़के ने अपनी पहली बीवी छोड़ रखी है। भला आप ही बताइए, कोई लड़की ऐसे लड़के से शादी कर सकती है क्या? मैं क्या कह सकता हूँ, मगर इस अगर मगर को छोड़िए, आप कब मिल रहे हैं मेरे चाचा से? यही सोच रहा हूँ कि मैं कैसे मिलूं तुम्हारे चाचा से। क्यों जी, आपने भी कोई छोड़ रखी है? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि कल बसंत पंचमी का मेला है ना रामपुर में, उसके बाद मिल लूंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? वहाँ जी भर के बातें होंगी। जब अकेली में बात नहीं हो सकी तो मेले में क्या होगी? सुनो तो, फिर कब मिलोगी? मैं कल फिर मिलूंगी किसे गुलशिस्तों में, यही शाम को फिर मुलाकात होगी। निगाहें झुका कर जो कहनी है तुमसे, जरा ये तो सोचो वो क्या बात होगी।
निगाहें झुका कर। तुम आओगे जिन राहों से उनको सजा दूं, मैं कांटे हटा के वहां कलियां बिछा दूं। मैं गुलशन में आऊंगी नगमे सुनाती, इन आँखों में होंगी जवां आरज़ूएं, निगाहों में उल्फत की सौगात होगी। निगाहें झुका कर सोनी सोनी मेरे जीवन की राहें, किसी हम सफर को ढूंढे मेरी निगाहें। सुनाते हो तुम तो पिया अपनी कहानी, जरा ये भी सोचो के तुमसे बिछड़ गए, कसम क्या मेरे दिल में दिन रात हो। निगाहें झुका कर अभी तुम चली जाओगी करके बहाना, मगर शर्त ये है मेरे सपनों में आना। मैं सपनों में आऊंगी हंसती लजाती, उधर हुस्न होगा तेरा चांद जैसा, इधर गेसुओं की हंसी रात होगी। निगाहें झुका कर जो कहनी है तुमसे, जरा ये तो सोचो वो क्या बात होगी। मैं कल फिर मिलूंगी किसी गुलशिस्तान में, यही शाम को फिर मुलाकात होगी। मैं कल फिर मिलूंगी। जरा रुक जा, मैंने कहा जरा मुड़ के तो देख। इतनी अकड़? देखो जी कितनी भोली है ये कबूतरी। जिस कबूतर के पीछे ये पागल हो रही है वो इसका उल्लू बना रहा है। जरा तुम ही समझाओ ना इसे। देख रे बनारसी, फिर कभी ऐसी हरकत की तो तुझे समझाना पड़ेगा। राह चलती लड़की को छेड़ते शर्म नहीं आती? धर्म के काम में काहे की शर्म। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भी इस कबूतरी की तरह बिल्कुल भोली हो, जिसे एक चालाक शिकारी अपने जाल में फांस रहा है। क्या बकते हो? वही जो इस गांव में बनारसी के सिवाय कोई नहीं बक सकता। मेरे सिवा है किसी की हिम्मत जो एक परदेसी की खातिर गांव के चौधरी से दुश्मनी मोल ले? रतन तुम्हें धोखा दे रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जानती हो उसकी शादी हो चुकी है। क्या कहा, उनकी शादी हो चुकी है? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर मेरा एक बार ना हो तो गांव के बच्चे बच्चे से पूछ लो। एक की जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुका है, अब ना जाने तुम जैसी कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। बनारसी। हाँ। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुमने अच्छे वक्त पर मुझे बता दिया कि उनकी शादी हो चुकी है। इसी अच्छे वक्त पर एक बात और भी सुन लो। या मेरी शादी अभी नहीं हुई।
राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। क्यों जी, ये दूर दूर क्यों? जरा साथ मिलके चलो ना। हटो जी, कोई गांव वाला देख ले तो क्या कहे? कहने दो, हमें किसी की क्या परवाह है। तुम्हें नहीं होगी जी, पर मुझे तो है। मर्द जात को कोई नहीं पूछता, पर औरत पर बिना देखे तोहमत लगा देती है ये दुनिया, इसलिए जरा। ओ, तो क्या इसलिए मेले में आई हो? बोलो, मेरे साथ चलती हो कि नहीं? हजीवा, तुम तो ऐसे रोब दिखा रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी बीवी होती हूँ। तो ये बात है। Yeah.
वंडरफुल, आज का दिन बड़े मजे से गुजरा। ऑफ कोर्स, यस। क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक ली? रोकी नहीं शांता, रुक गई है। मालूम होता है इंजन गर्म हो गया है। जरा पानी ले आओ कहीं से। हुई ना वही बात, कितनी भयानक जगह है, मुझे तो डर लगता है। डर काहे का, मैं जो पास हूँ। कुंदन पानी जल्दी आए तो अच्छा है। ऐसी भी क्या जल्दी है? क्यों, आप ही तो कहते थे कि वक्त पर शहर ना पहुंचे तो हजारों को नुकसान हो जाएगा। अजी छोड़िए, यह सीन रात, ये तन्हाई, आप, मैं, नुकसान का सवाल ही नहीं पैदा होता। कुमार साहब। कुमार साहब नहीं, कुमार कहो, कमांडर। बदतमीज, और तुमने मुझे समझा क्या है? समझा क्या है? बड़ी भोली बनती हो। कुंदन, कुंदन, कुंदन। किसे पुकार रही हो? कुंदनी ने तो ये सब इंतजाम किया है। आपने जैसे समझा है कुंदन को, जानते हो वो मेरे साथ शादी कर रहा है। शादी? और तुम्हारे साथ? कुंदन इतना बेवकूफ नहीं जो तुम जैसी उड़ती तितली के साथ शादी करे। जो लड़की अपने देवता समान पति को ठुकरा सकती है वो किसी का घर नहीं बसा सकती। वो लड़कियां और होती हैं जिनकी मांग में सिंदूर शोभा देता है। बंद करो बकवास। बिगड़ो नहीं शांता, जमाना तुम्हारे लिए है और तुम जमाने के लिए। तुम्हारे पास जवानी है, मेरे पास दौलत, और हम दोनों आपस में मिलकर समझौता कर लें। नीच कमीने बदमाश, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। चिल्ला रही हो, कौन है तुम्हें बताने वाला? बदमाश, शांता, शांता तुम यहाँ? शांता, शांता, ये तो बताओ आखिर मात्रा क्या है? क्या बताओ गीता, जिस कुंदन को मैं अपना समझती थी वो चांदी के चंद टुकड़ों के बदले मेरी इज्जत बेचना चाहता था। अगर तुम लोग वक्त पर ना पहुंच जाते तो मेरे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे आज पता चला कि पति का दामन छोड़ने वाली औरत को दुनिया क्या समझती है। अब तो फिर जाता कि कुछ खाकर मर जा। पगली, जीने के दिन आए हैं तो मरना चाहती हूँ। शांता, ये मेरे पति हैं, मगर इन्हें ये पता नहीं कि मैं गीता हूँ। तुम उनके सामने ऐसे जाहिर करना जैसे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। भाग गया बदमाश। कार कभी नहीं खोलूंगी। विद्या, वो जरा गाड़ी से पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। आज आपने मेरी इज्जत बचा ली, मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? मुझ पे भी एक एहसान कीजिए, इस लड़की को ये मत बताइए कि मैं शादीशुदा हूँ। और हाँ, इसके सामने ऐसा जाहिर कीजिए जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते। पानी। हाँ। चलो बहन, तुम इस वक्त कहाँ जाओगी? हमारे साथ चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। हम सिर्फ बनारसी की बात सुनकर आपके पास नहीं आए, हमने खुद मेले में अपनी आंखों से देखा है। रतन चौधरी और वो लड़की आपस में इस तरह हंस खेल रहे थे कि बताते हुए भी शर्म आती है। अरे राम
और मैंने दोनों को हिंडोले में इकट्ठे बैठे हुए देखा है। अजी आप हिंडोले की बात करते हैं, मैं रोज अपनी आंखों से दोनों को खेतों में। माँ जी आप कैसी बात करती हैं, भला जल में रहकर मगर से बैर, वो तो आज बात खुल गई तो कहना पड़ा। चौधरानी जी जब बाढ़ ही खेत को खाए तो रखवाली कौन करेगा, गांव का सबसे बड़ा आदमी ऐसी खाक उड़ाए तो बाकी गांव वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा। बस बस सुन लिया मैंने, मैं सब समझ लूंगी, तुम लोग जा सकते हो। वो लड़की होती कौन है मेरे लड़के को बिगाड़ने वाली। राम राम माँ जी। राम राम। राम भजन छोड़ दिया। कहाँ है वो लड़की जी, मैं पूछती हूँ कहाँ है वो लड़की। कौन लड़की, आप कौन है। मैं इस घर की मालकन। मालकन प्रणाम माँ जी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम लोगों को यहाँ से निकालने आई हूँ। निकालने आखिर बात क्या है। बात उसी को बताऊंगी, कहाँ है तुम्हारी लाडली। जी वो ऊपर है, मैं बुलाता हूँ। हटो। विद्या बेटी, विद्या बेटी। यूरी कलमी निर्लज कलंकनी, शर्म नहीं आती तुझे। मुझे कहे को शर्माए जी, मैंने कौन सा बुरा काम किया है। बुरा नहीं तो क्या अच्छा काम कर रहे हो। वो तो भला हो बनारसी का जितने वक्त पर मेरी आंखें खोली, वरना न जाने कब तक तू मेरे बेटे पर जादू करती रही थी। आपका बेटा भी तो मुझ पर जादू कर रहा है जी। खबरदार जो मैंने बेटे को दोष दिया, जानती है उसकी शादी हो चुकी है। मेरी भी तो शादी हो चुकी है जी। बेशरम, ये कहने से पहले तेरे जबान न चलती, चुल्लू भर पानी में डूब न मानी तू। गीता, गीता, ये सब क्या है बहू। ये सब कुछ उनको पाने के लिए किया है माँ जी, उनकी गलत फहमी दूर करने के लिए। मुझे अनपढ़ बनकर उनके जीवन में आना पड़ा। चुप 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 बेटी, मुझे विश्वास था तुम जरूर इस घर की बिगड़ी बनाओगी, लेकिन ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपाए रखी बेटी। मैं इस परीक्षा में सफल होकर ही आपसे मिलना चाहती थी। माँ, माँ, माँ जी, अभी उन्हें कुछ मत बताना, मेरी तपस्या अधूरी है। माँ, ठहर तो, अब किधर जाती है, तेरी हड्डी पतली एक कर दूंगी। दरवाजा खोलो माँ, जो कुछ कहना है मुझे कहो। तुझे तो पागल कर दिया मेरे बेटे को, बिगाड़ने चली है मेरे बेटे को। निकल, अभी निकल मेरे मकान से। मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। माँ खबरदार, देर से मारा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या बकवास कर रहा है, मैं तुझे भी देख लेती हूँ, बड़ा आया हिमायती बनकर। इस बेचारी की क्यों बिगड़ती हो माँ, जो कुछ कहना है मुझे कहो। शर्म नहीं आती माँ के आगे जबान चलाते, जानता है गांव में क्या चर्चा हो रहा है। हुआ करे, मुझे किसी की परवाह नहीं। अच्छा तो याद रख, अगर तूने इस जादूगरनी का साथ न छोड़ा तो घर छोड़ना होगा। घर तो क्या माँ, विद्या की खातिर मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ये बात तो तू जान और तेरी विद्या, आजकल के लड़के कितने बेशरम हो गए, न माँ की इज्जत न बड़ों का लिहाज। मुझे माफ कर दो विद्या, माँ ने जो कुछ किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा। ये सब आग उस बनारसी की लगाई हुई, न जाने उस बदमाश ने क्या क्या बातें बनाई पंचायत के आगे। ऐसी बातें छुपी थोड़े रहती हैं, अब मुझसे ये बदनामी नहीं सही जाती। विद्या देखो जी, अब मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ नहीं नहीं विद्या, ऐसा मत कहो, जरूर करूंगा शादी, लेकिन मुझे जरा सोचने का मौका तो दो। इसमें सोचने की क्या बात है। ओहो अब तुम्हें कैसे बताऊं, हजार उलझने होती हैं जिंदगी में। अब यही देख लो ना, माँ को मनाना है, इधर बैलगाड़ियों की सालाना दौड़ है, मेरी इज्जत का सवाल है, गांव की इज्जत का सवाल है। ये सब झंझट खत्म हो जाए तो फिर शादी भी कर लेंगे। घबराती क्यों? सुंदर तुम भागो यहां से। कहां, अरे जाओ ना। आ
अकेली मत जइयो गोरी जमुना के तीर। मैंने कहा हुजूर कभी गुलाम की अर्ज भी सुन लिया करो, ये आज क्या गड़बड़ घोटाला हो गया? सुना है कि रतन चौधरी की माँ ने झगड़ा किया तुम्हारे साथ, और वो भी तुम्हारे घर जाकर। बड़े लोग जो ठहरे। अजी बड़े लोग होंगे अपने घर, बनारसी के रहते हुए किसी बड़े छोटे दबके नहीं रहना। बनारसी? तेरी कसम विद्या, बनारसी तीतरबाज बटेरबाज कबूतरबाज सब बात सही, लेकिन रतन की तरह धोखेबाज नहीं। आए क्या बुराई है मुझमें? तुझमें एक भी बुराई नहीं। तो फिर क्या ख्याल है मेरे बारे में? जवानी कसम विद्या, कबूतरों को तो छतरी पर बिठाता हूँ, पर तुझे सर आंखों पर जगह दूंगा। ऐसी बातें ऐसी जगह नहीं होती। तो फिर कहाँ होती हैं? रात को मेरे घर आ जाओ ना, वहां दिल खोल कर बात करेंगे। घर? मगर तुम्हारे घर वाले? उसकी तुम फिक्र न करो, बस घर से पीछे आज से सीटी बजा देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। विद्या पहचान ही लिया है मेरे यार ने मुझे, खुद अपने घर बुलाया है सरकार ने मुझे। बनारस से अभी तक नहीं आया, न जाने क्या बात हो। फिक्र ना करो, आता ही होगा, वो ऐसे मौके छोड़ने वाला नहीं। लो वो आ गया। बंसी, मेरी चिंता मनी, तुमने तो मुझे बिल्कुल सूरदास बना दिया। आहिस्ता बोलो और मेरे पीछे पीछे चलिए। अच्छा, कम से कम मेरा हाथ तो पकड़ लो, कहाँ हो तुम? ढूंढ लो। आहिस्ता आहिस्ता, कोई जाग पड़ेगा। इधर दो कदम और। बस मेरी जान, अब ज्यादा तरसाओ मत, मेरे नजदीक चले आओ। आगे चले आओ ना, मैं पलंग पे बैठी हूँ। पलंग पे? अच्छा अच्छा, बड़ी देर लगा दी तुमने बनारसी। क्या बताऊं मेरी जान, एक बहुत जरूरी काम में उलझ गया था। विद्या, बदमाश कमीने दलील, मुझे भी एक मौका दो। हाँ हाँ, हो जाए हो जाए। ठीक है, अब आइए चौधरी जी, ठीक है। बंद,
फिर छेड़ेगा राजा की लड़की को। अरे बस भाई बस बहुत हुआ, बुरा ना मानना श्रीमान जी, आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं, मेरा भी तो सेवा करना फर्ज है ना। गुस्ताखी माफ, दफा हो जाए यहां से। और याद रख, फिर कभी ऐसी हरकत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? बेचारा। मैंने जगदीश भैया। अरे गीतम, जरा इस तक आखिर माजरा क्या है? तुमने तो बीमारी का तार दिया था ना। तार झूठा नहीं दिया था, आपको तो कोई बीमारी चाहिए ना। आओ। अब के मेरा नहीं तेरा दीवाना है। मेरा दीवाना? वो यहाँ कैसे आ गए? आए नहीं, बुलाए गए। गीता, ये तुमने क्या किया? वही जो मेरा फर्ज था। चलो मेरे साथ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊं? पगली, गलती कौन नहीं करता, जिंदगी में भूल किससे नहीं होती। चलना सीखने से पहले कई बार लड़खड़ा कर गिरना भी पड़ता है। मगर मैं तो ऐसी लड़खड़ाई कि अपने साथ उनको भी ले गई, उनकी जिंदगी को भी रोक लगा दिया। गीता, मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। शांता, मर चुकी शांता। ऐसा मत कहो, अपनी भूल को मान लेना भूल करने वाले की बड़ाई का सबूत है। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? सारी जिंदगी बहाती रहूं तो भी उस आग को नहीं बुझा सकते जो मैं अपने ही हाथों लगा बैठी। पगली, मैं सचमुच पगली हूँ। पगली ना होती तो इतना समझाने पर भी ऐसी ठोकर क्यों खाती? मुबारक है वो ठोकर, जिसे खाकर इंसान हमेशा के लिए संभल जाए। आप कुछ भी कहें मगर मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। जिसने किसी की न सुनी, गीता की हंसी उड़ाई, आपका दिल दुखाया, मगर तुम्हारे नारों ने मेरे दिल के सारे दुख तोड़ डाले। पश्चाताप के आंसू गंगा जल से कम नहीं होती शांता। हमारे डॉक्टर साहब, अरे भाई जरा जोर से सांस लो। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। चौधरी साहब, आपके ये दोनों बैल तो टिट फॉर टैट हैं, बस जीत आपके साथ है। आपके ये बैल, ये गाड़ी और खुद आप, हर चीज टिट फॉर टैट। वाह 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 वाह। और इस किल्ली का तो जवाब नहीं, ऐसी किल्ली आज से पहले बस एक ही बार देखी है। कहाँ? महाभारत के युद्ध में, अर्जुन के रथ में। महाभारत का युद्ध में? हाँ, उस वक्त मैं बहुत छोटा सा था। चाचा चाचा, चाची तुम्हें अंदर बुला रही है। अंदर? मगर वो तो मंदिर गई थी। शायद अंदर आ गई हो। ओ, तो मैं कलंदर यहाँ क्या कर रहा हूँ? जाओ और चित करो। तुम भी साथ चलती तो अच्छा था। फिर पंचायत बुलवाने का इरादा है। अच्छा। आ, 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 आ। Let's go!
जी, सुनील जी, इनको जल्दी अस्पताल में चलिए, इनकी हालत बहुत खराब है, जल्दी कीजिए ना। आराम आराम से रहेंगे। माता मालूम होता है कोई नस फट गई है। नस फट गई, मगर डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कहीं दूर गए हैं क्या? नहीं नहीं, यहीं पास ही आनंदपुर गए किसी मरीज को देखने। बंसी तुम खुद जाओ डॉक्टर साहब को लाने। और हाँ बंसी, देर मत करना, थोड़ी देर खून और बंद ना हुआ तो जान का खतरा। मैं अभी गया। जान का खतरा है भगवान। भगवान सब ठीक करेगा। रतन बेटा, क्या हो गया मेरे लाल को? अरे ये बोलता क्यों नहीं? अरे तुम लोग मेरे देख जा रहे हो, कुछ करो कुछ करो। घबराइए नहीं माँ जी, बंसी अभी डॉक्टर को लेके आता है। तो लहूलुहान हो रहा है, अरे इसे कोई होश में तो लाओ। तुम कुछ करो बेटा, बेटा तुम कुछ करो कुछ। मैंने तो पूरी कोशिश की है माँ जी, पर अब ये डॉक्टर साहब के बस की बात। अरे तो कोई डॉक्टर साहब को ले आओ ना। हौसला करो, भगवान सब अच्छा करे। आइए डॉक्टर साहब, आप बैठिए, तशरीफ रखिए, मां भी आया। सुंदर सुंदर, क्यों गुरु? काम पूरा हो गया, बस थोड़ी सी कसर बाकी है, वो अस्पताल में आखिरी दमों पर है। मैं डॉक्टर को यहाँ ले आया हूँ, तुम जल्दी से अस्पताल चले जाओ और पंजी के उड़ते ही मुझे खबर दो, समझे? अच्छा चलो। मरीज कहाँ है बनारसी? मरीज भी आ जाता है डॉक्टर साहब, घबराइए नहीं, आराम से बैठिए, चाय वाय दीजिए। मगर ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इसलिए कि बाहर से कोई आ ना सके और अंदर से कोई जा ना सके। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं। आपको फीस से मतलब है या मरीज से? ये सब क्या गड़बड़ है, दरवाजा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है। मेरी तरफ से तो कोई रोक नहीं, लेकिन जरा इससे जाते दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? माफ करना सुंदर, और तुमने डॉक्टर साहब को तो कहीं नहीं देखा? देखा है। कहाँ देखा है? मेरी जेब में। चौधरी जी, अगर डॉक्टर नहीं मिलता तो हम इसे शहर ले चलेंगे। अब इतना वक्त नहीं माँ जी, इनकी नब्ज डूबती जा रही नहीं, है। नहीं नहीं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। हे भगवान, तू मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा, मेरे बच्चे की जान बचा। बेटी देख, मेरा रतन मुझे धोखा दे रहा है, तू इसे समझा, तू समझाना इसे, तू समझा। धीरे करके बाजी, धीरे करके, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहाँ है? वही तो मिल नहीं रहे, और इधर इनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। माँ जी, मैं ऑपरेशन करूंगी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? बलात्कार का मौका है, इन्हें डॉक्टर के सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदार होगी, मैं जिम्मेदार होगी। क्या कह रही माँ जी, आपको तो ममता ने अंधा कर दिया है। चौधरानी होश में तो हो, जान बूझ कर बच्चे को मौत की भूमि ढकेल रही हो। ये अनपढ़ और गंवार लड़की ऑपरेशन करेगी क्या? हाँ हाँ मैं जानती हूँ, ये ऑपरेशन करेगी। चल बेटी चल, चल देर न कर। मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। खबरदार, किसी ने रोका तो मैं इसे तोड़ दूंगी। मुनीम जी, दूसरी ले जाइए इसे। मैं फिर कह देता हूँ, अगर इन्हें कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी आप सब पर होगी। खून काफी बह चुका है,
शायद इन्हें खून देने की जरूरत पड़े। मैं खून दूंगी शक्ता, इन्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान तक भी दे सकती हूँ। आप जरा माँ जी को बाहर ले जाइए। चलिए माँ जी। बनारसी, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे शक्ति दो। जानते हो सरकारी नौकर की ड्यूटी में रुकावट डालना कितना बड़ा जुर्म है? बहुत बड़ा, लेकिन किसी को पता चले तो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतनी सी तो बात थी, अब आप जा सकते हैं अपनी ड्यूटी पर। लेकिन एक बात सुनते जाइए, अगर ये राज आपके सीने से बाहर निकला तो ये चाकू आपके सीने के अंदर होगा। क्यों सुंदर, चल बसे चौधरी। अरे बोलता क्यों नहीं? जल्दी चलिए डॉक्टर, रतन की जान खतरे में है। अच्छा? हाँ चलो चलो। सब ठीक है ना गीता? हाँ, तुम यही इनके पास ठहरो, मैं माँ जी को बता के आती हूँ। माँ जी, बेटे ऑपरेशन कामयाब हो गया। माँ जी अब घबराने की कोई बात नहीं, जो 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 बेटे सदा सुखी रहो, सदा सुखी। डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? आपको शुक्रिया अदा करना है तो विद्या का कीजिए, उसी ने तो आपका ऑपरेशन किया है। विद्या ने? हाँ, जिसे हम लोग जाहिल समझते थे वो तो क्वालिफाइड डॉक्टर है। क्या विद्या डॉक्टर है? उसने आज तक मुझे धोखे में रखा। ओ डॉक्टर साहब, आपने मुझे याद किया था ना? याद तो किसी भूले हुए को किया जाता है विद्या देवी, मैं ना तो आपको भूला हूँ ना कभी भूल सकता हूँ। आपकी मेहरबानियाँ तो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगी। भगवान का शुक्र है आप अच्छे हो। काश मैं अच्छा ना होता, मुझे मौत आ जाती, मैं मर गया होता। ये क्या कहते हैं आप? एक शरीफ आदमी को जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। तुमने मेरी इज्जत को खिलौना समझा, अपने आप को अनपढ़ जाहिल जता के मुझे बेवकूफ बनाती रही, मेरी हंसी उड़ाती रही। नहीं नहीं ऐसा ना कहिए, सच पूछिए तो मैंने अपने आप की हंसी उड़ाई। लोग दूसरों से अपने ऐब छिपाते हैं, मगर मुझे आपसे अपना गुण छिपाने पर मजबूर होना पड़ा। मैं पूछता हूँ आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? आपके करीब आने पर जब मुझे ये पता चला कि एक लड़की का पढ़ा लिखा होना आपकी नजरों में एक बहुत बड़ा अवगुण है तो मैंने। मेरी ही नजरों में क्यों, दुनिया की नजरों में कहो ना। मगर मेरी दुनिया तो आप है, सिर्फ आप। मैं आप ही से पूछती हूँ, क्या आज तक आपने मुझसे प्रेम नहीं किया, मुझे अपने योग्य नहीं समझा, तो फिर आज मुझ में क्या बुराई आ गई? सती सावित्री ने अपनी तपस्या के बल से सत्यवान को मौत के मुंह से बचाया, दुनिया आज तक उसकी पूजा करती है। विद्या भी तो एक तपस्या है,
जिसके बल से मैं आपकी जान बचा सकी। फिर भी अगर आप इसे मेरा अवगुण समझते हैं तो मैं अपनी सब किताबें नदी में बहाया देती हूँ। विद्या, विद्या मुझे अपनी जान से प्यारी है, मगर आप मुझे विद्या से भी ज्यादा प्यारे हैं। नहीं नहीं विद्या, मुझे और शर्मिंदा ना करो। तुमने मेरे घायल तन पर पट्टियां बांध के आज मेरी आंखों की पट्टी खोल दी है। विद्या, तुम सिर्फ प्यार के नहीं पूजा के भी लायक हो। रतन बेटा, शहर से लाला हंसराज आए हैं और साथ में गीता और उसकी माँ भी। तो उन्हें दूसरे कमरे में बिठाओ और कहो थोड़ी देर इंतजार करें। इंतजार करते करते तो ये दिन आ गया बेटा, आखिर हमें खुद ही आना पड़ा। जी वो बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ कि तबीयत कैसी है। इनकी मेहरबानी से मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिली है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी बच्ची का सुहाग बचा लिया। आप? हाँ हाँ बेटी, हम रतन के सासू ससुर हैं। है? सासू ससुर? तो इसका ये मतलब है। विद्या, मेरी बात तो सुनो। विद्या तो चली गई बेटा, कहीं ऐसा ना हो ये रंग देखकर गीता भी चली जाए। माँ। गीता बेटी इधर आ जा, पहले मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ ठहर जा। आ बेटी, आ बेटी इधर आ। लो भाई, अब जो कुछ कहना है आमने सामने कह लो। हाँ चलो बहन, चलिए। अच्छा जी, अब समझिए आपने मुझे क्यों छोड़ रखा था। इसलिए ना कि आपको रोकने टोकने वाला कोई ना हो और आप आजादी से रंगरलिया मनाए। गीता, विद्या तुम? विद्या नहीं, गीता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरे पास होकर भी मुझसे दूर रही और दूर रहकर आपके पास भी तो रही है जीजा जी। शांता, शांति शांति। खन के